सोलन में नशे के खिलाफ जितनी पुलिस सतर्क होती जा रही है, उतना ही नशे के सौदागरों के हौसले भी बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। नशे के सौदागर बेखौफ नए तरीके से तस्करी कर नशे की सप्लाई करने में लगे हैं। इसी के तहत एक दीवानगी देखने को मिली जब पुलिस ने सूचना के आधार पर वाहन तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवाई के करीब 1008 कैप्सूल एक युवक से बरामद किए। लेकिन सोलन पुलिस ने भी नशे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और ऐसे धंधे में लगे तस्करों को सलाखों के पीछे डाले बिना चैन नहीं ले रही है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हजारों प्रोक्सीवॉन के कैप्सूल एक युवक से बरामद किए गए। इसके बाद दवा नियंत्रक से संपर्क कर ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत युवा पर मामला दर्ज किया गया है। जी सर, नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम जारी है। किसी भी प्रकार का नशा हम टॉलरेट नहीं करेंगे और कुछ तकरीबन दो महीने से जो हमने ड्राइव लॉन्च किया उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आज भी हमारी एक स्पेशल डिटेक्शन स्क्वाड ने किसी मुखबिर की मदद से, जो गांव के ही हैं, बिलोंग करते हैं, कुमारहट्टी के पास 1008 कैप्सूल्स 42 स्ट्रिप्स ऑफ स्पैज्मोप्रोक्सीवॉन, जो कि एक बैंड ड्रग है, उसे एक मिस्टर गुप्ता है जो सोलन के निवासी है उनसे बरामदगी की है। आगामी कार्रवाई करते हुए हमने इसमें ड्रग विभाग से भी ऑफिसर को बुलाया है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमने केस रजिस्टर हम कर रहे हैं।